अभी दोस्तों इन दिनों जब हम अपने घर में लॉकडाउन होके बैठे हैं, तो एक अच्छी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को गंभीरता से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक काम में व्यस्त होने का बहाना बनाकर या बिजी हैं के चलते, हालांकि मैं किसी से बात कर रही थी और मैंने उसको बोला था कि बिजी का एक्चुअली मतलब है बिजी अंडर सैटर्न्स योग। तो इन सबके चलते जब हमारे पास टाइम नहीं होता था, और शायद हमारे कलीसिया में हमारे पादरी या पास्टर आपको समझाते होंगे कि बाइबिल पढ़िए, लेकिन अरे पास्टर साहब टाइम नहीं है, अरे सिस्टर टाइम नहीं है, तो परमेश्वर ने एक खूबसूरत बात यह की कि हमको टाइम दिया है। और बहुत सारे हमारे परमेश्वर के जो जन है, जो सेवक हैं, वो वचन शेयर कर रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, और उससे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इस समय स्पिरिचुअल फूड मिल रहा है, वो आत्मिक भोजन, जिसकी वजह से जो हमारा आत्मिक मनुष्य था वो शायद बहुत कमजोर था, पर अब उसको पोषण मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम खुद भी बैठ रहे हैं। एक चीज लेकिन मैंने जो देखी इन दिनों की जो न्यूज आती है हर तरफ से, वो दुनिया की खबरें तो हमेशा नेगेटिव होती है, पर दुख होता है जब कोई मसीही भाई बहन उस दुनिया की खबर को पकड़ के बोलते हैं कि हाँ अभी तो ये इतना चलेगा उतना चलेगा। मैं उसे बोलना भी नहीं चाहती उस अंक को या उन शब्दों को, या जब तक के लिए ऐसा क्लेम किया जा रहा है। मुझे दुख होता है कि मसीह होने के कारण कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हाँ हम अपनी स्पीकिंग पावर का इस्तेमाल करें। एक वचन बताती हूँ, नीति वचन 18:21, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो उसको उपयोग में लाना, जो उसको काम में लाना जानता है, वो उसका फल पाता है। तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि इन सारी नकारात्मक चीजों के बीच, इतनी नेगेटिविटी और नेगेटिव खबरों के बीच, हम अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करें। एक मसीही होने के नाते जो हक हमें मिला है, उस हक का इस्तेमाल करें। अच्छा, अभी आप ये पूछेंगे, अगर बहुत से नए विश्वासी हैं जो मुझे कॉल करते हैं या प्रेयर करवाते हैं या काउंसलिंग करते हैं, हमारी कलीसिया में भी हैं, कि यह हक हमें कैसे मिला है, बताती हूँ। यह हक हमें मिला है उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में, हम जब देखते हैं परमेश्वर ने पूरा ईडन गार्डन सब तैयार कर दिया था और वहां पर मनुष्य को बनाया था, लेकिन उसके बनाने से पहले प्रभु ने जो सृष्टि की रचना की थी, उत्पत्ति के पहले अध्याय की जो तीसरी आयत है, जब हम वो पढ़ते हैं बाइबल की सबसे पहली किताब उत्पत्ति पुराना नियम, और उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी ही आयत में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। मतलब हमारा परमेश्वर जो बोलता है, जो कमांड करता है, अपनी स्पीकिंग पावर का जब इस्तेमाल करता है, तो वो काम हो जाता है। उसकी संतान होने के नाते, मसीह यीशु के द्वारा उस सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर की संतान होने के नाते, हमको भी वो अथॉरिटी मिल गई है क्रूस पे, वो अधिकार हमें मिल गया है। तो इसलिए हमेशा हमें बहुत सही तरीके से अपने बोलने के अधिकार का, अपनी स्पीकिंग पावर का इस्तेमाल करना है। हम कलीसिया में बहुत उछल उछल के भजन गाते हैं, किसके समाचार पर विश्वास करोगे, यीशु के समाचार पर विश्वास करेंगे, तो फिर हम दुनिया के समाचार पर विश्वास क्यों? क्यों हम ये नकारात्मक चीजें बोलते हैं? नहीं, हम में से हर एक को आज ये प्रण लेना है कि अगर हम बाइबिल जानते हैं, अगर हम अपने दिल के विश्वास और जबान के कबूलनामे के द्वारा मसीह की संतान हैं, हमारा उद्धार हो चुका है, तो कुछ भी हो, एटलीस्ट हम अपनी स्पीकिंग पावर को उस दिशा में इस्तेमाल करेंगे जिस दिशा में बाइबिल हमें सिखाती है। कि नहीं, कुछ नहीं, हमारे परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र में सब कुछ है। और दूसरी चीज है आज्ञाकारिता। हमेशा से मैं ये चीज सिखाती आई हूं अपने लोगों को कि आज्ञाकारिता हमेशा आशीष का जरिया है, और बाइबल हमें हमेशा कहना मानना सिखाती है। सिंस बिगनिंग, उत्पत्ति की जो पहली किताब है बाइबल की, वहीं पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जब सब कुछ तैयार कर लिया, जैसा भी मैंने बताया कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में सब कुछ उसने बोल के रचना कर दी सृष्टि की, अदन की वाटिका ईडन गार्डन पूरा तैयार हो गया, उसके बाद बाकी चीजें तो उसने बोल बोल के बनाई थी, पर उसने हम इंसानों से, उस परमेश्वर ने, उस पिता ने इतना प्रेम किया कि उसने हाथ से मिट्टी गूंधी और उससे आदम को बनाया। उत्पत्ति के पहले अध्याय की 26 और 27वीं आयत में लिखा हुआ है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, विच मीन्स कि परमेश्वर ने हमको बिल्कुल अपनी इमेज और लाइकनेस में बनाया है। और कब बनाया? दूसरे अध्याय में,
अपने हाथों से बनाया। सोचो कितना प्यार से जतन करके पहले उसने सब कुछ हमारे लिए बढ़िया एकदम तैयार कर दिया, उसके बाद उसने इंसान को बनाया। हम इंसान हैं, जब हमारे घर में हमें ये पता चलता है कि हाँ कोई नया मेहमान आने वाला है तो उसके लिए हम कितनी तैयारी करते हैं, कितनी ढेर सारी तैयारियां, कितने प्रिकॉशंस, कितनी तैयारियां, कितना सब कुछ। और वचन में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं, अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। और एक और वचन है यशायाह में कि दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है परंतु मैं न तुम्हें कभी भूलूंगा, न त्यागूंगा, न छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बना रखा है। इतना प्यार करने वाला पिता हमसे बदले में जो हमारे लिए सब कुछ देता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, भजन संहिता में लिखा है ना, तो फिर वो अगर हमसे बदले में एक चीज चाहता है, आज्ञाकारिता, तो क्या हमें उसका पालन नहीं करना है? क्या हमें बाइबल के वचनों के आधार पे ओबीडियंट नहीं बनना है, आज्ञाकारी नहीं बनना है? अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? छोटे बच्चे होते हैं, वो जब कहना नहीं मानते तो उनको बचपन से हमें डिसिप्लिन सिखाना होता है ना, उनको अनुशासन सिखाना पड़ता है ना, ताकि आगे चल के वो उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। और अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा, उसका भी एग्जाम्पल बताते हैं। जब उसने आदम को अदन की वाटिका में, ईडन गार्डन में रखा परमेश्वर ने, तो सिर्फ एक ही आज्ञा दी थी कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी ना खाना। क्यों ना खाना? क्योंकि जिस दिन, बता दिया था कारण, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। परमेश्वर ने मनुष्य की भलाई के लिए, और सोचो आदम के लिए उसने कितना सोचा, पूरा वेल सेटल्ड करके पूरा ईडन गार्डन को अच्छे से, जो जो जरूरत की उसके सामान की चीजें, जो जो उसको इस्तेमाल में, जो उसके जीवन यापन के लिए लगने वाली थी, वो सब रखी वहां पर। उसके बावजूद उसने देखा कि नहीं, आदम खुश नहीं है, तो उसकी पसली में से उसने हवा को बनाया। आदम ने कहा क्योंकि ये नर में से निकली इसलिए उसका नाम उसने नारी दिया। परमेश्वर ने उसको एक बेस्ट कंपेनियन दिया, एक अच्छा साथी दिया, ताकि आदम खुश रह सके और वो दोनों साथ में खुश रह सके। और दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर उनसे गप्पे मारने आता था। कितना महान सौभाग्य था, सृष्टि का स्वामी, सृष्टि का रचयिता बैठ के उनकी सहभागिता, उनके साथ बातचीत करता था, अपने दिल की बातें शेयर करता था। और क्या बदले में चाहता था? सिर्फ एक आज्ञा, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, क्योंकि अगर खाएगा तो बेटा तो उसी दिन मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? आत्मिक रीति से मर जाएगा, परमेश्वर से दूरी हो जाएगी। और वही हुआ। उन्होंने क्या किया? हवा शैतान के बहकावे में आ गई, ठीक है, हवा के बहकावे में आदम आ गया। शैतान ने उकसाया, अरे परमेश्वर ने क्या कहा है इसको मत खाना? अरे तुम खाओगे तो तुम उससे ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे, बताए इसलिए मना किया है। बहकावे में आ गई, और उस बहकावे में आने के बाद फिर क्या हुआ? वही बात, आत्मिक मृत्यु, जो परमेश्वर ने कहा था कि अगर इसको खाओगे तो तुम्हारी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे, वही हुआ। आदम के आज्ञा न मानने से पूरी मनुष्य जाति पे शाप आया। कैसे शाप आया? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के तीसरे अध्याय उसकी 14वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। शैतान जो है वो एक स्पिरिट बीइंग है, उसको कोई ना कोई बॉडी चाहिए। किसी जानवर ने, आई एम श्योर, ऐसा लिखा नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है कि सर्प, क्योंकि बाइबल में लिखा है सबसे धूर्त था, तो किसी जानवर ने उसको अपनी बॉडी यूज करने के लिए नहीं दी, पर सर्प ने दी, सांप ने दी, इसलिए सांप के ऊपर ये शाप आया। और जो यहाँ पर लिखा है कि तू पेट के बल चला करेगा, इसका मतलब ये कि पहले सांप पेट के बल नहीं चलता होगा शायद, जब शाप आया तब सांप पेट के बल चलने लगा। क्यों? क्योंकि उसने शैतान को अलाउ किया अपने अंदर आने के लिए, अपनी बॉडी यूज करने देने के लिए, क्योंकि शैतान स्प्रिट बींग है। अभी जो नए विश्वासी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि शैतान जो था पहले एक प्रेजेंट वर्शिप एंजल था। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल जो स्टडी है वो नेक्स्ट किसी पार्ट में हम कर लेंगे। आज जो मेन हमारा टॉपिक है वो ये है कि आज्ञाकारिता आशीष लाती है और अनाज्ञाकारिता कैसे शाप लाती है। तो पहला शाप तो ये
सांप को मिला, क्योंकि उसने परमिशन दी शैतान को अपने अंदर आने के लिए। अभी वो पहले शायद पेट के बल नहीं चलता होगा, पर क्योंकि वचन में लिखा है कि तू पेट के बल अब से चला करेगा, इसका मतलब अब वो पेट के बल चलने लगा। दूसरा शाप आया हवा पे, बोला गया कि तेरे गर्भवती होने की पीड़ा को बढ़ाऊंगा, सांप के और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न होगा। वहां पर एक तरह की प्रोफेसी भी हो गई कि स्त्री से एक ऐसा वंश निकलेगा जो उस सांप यानी उस शैतान के सिर को कुचलेगा। ये एक प्रोफेसी भी हो गई, सबसे पहली प्रोफेसी परमेश्वर ने कर दी, यहोवा परमेश्वर ने कर दी। और आदम को उसने बोला कि तू, क्योंकि भूमि तेरे कारण शापित है, इसलिए तू भूमि के ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। कितना अच्छा प्रबंध था ईडन गार्डन में, सब कुछ आराम से था, बढ़िया चल रहा था, परमेश्वर की संगति थी। पहली चीज अनाज्ञाकारिता से शाप आया, मनुष्य के कहना ना मानने से अनाज्ञाकारिता से शाप आ गया। दूसरी चीज, मनुष्य परमेश्वर की सहभागिता से हट गया, आत्मिक मृत्यु हो गई। अब उसके बाद हम देखते हैं एक दूसरे आदम, ये तो पहले आदम ने कहना नहीं माना, उसका परिणाम पूरी मनुष्य जाति पे आया। फिर उसके बाद हम एक दूसरा आदम देखते हैं, नया नियम में आते हैं, लूका की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर जो दूसरा आदम है वो है यीशु मसीह, जिसके बारे में यहाँ पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई कि उत्पत्ति के 3रे अध्याय के 15वें वचन में लिखा है कि तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा और स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। अब वो स्त्री के वंश से यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ने जब पिता की पूरी तरह से आज्ञाकारिता में चलते हुए अपनी सेवकाई को शुरू किया, और एक समय ऐसा आया जब वो रूपांतर के पर्वत पे गए और वहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे। वहां पे वचन में ऐसा लिखा है, लूका के 9वें अध्याय उसके 30वें वचन में ऐसा लिखा है कि देखो मूसा और एलिया दो पुरुष उसको दिखाई दिए जो उसके साथ बातें कर रहे थे, वो महिमा सहित दिखाई दिए। और क्या बातें कर रहे थे? ट्रांसफिगरेशन माउंट पे, रूपांतरण के पर्वत पे, जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक टापू भर की दूरी पे छोड़ के अलग जाके प्रार्थना कर रहे थे उस पहाड़ पे, वहां पर उसका रूप एकदम उजला हो गया, मीन्स वो स्पिरिट फॉर्म में आ गए, आत्मा में आ गए, और वहां पर मूसा और एलिया आए। मूसा की बॉडी के बारे में पता है कि आज तक किसी को नहीं पता, हम पढ़ के देखते हैं निर्गमन में कि परमेश्वर यहोवा ने खुद उसको मिट्टी दी, और आज तक किसी को नहीं पता है कि उसकी बॉडी कहाँ थी। बाद में फिर हम यहूदा में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि मिकाएल स्वर्गदूत ने भी मूसा की डेड बॉडी के बारे में जब शैतान वाद विवाद कर रहा था तो उसको नहीं घुड़का, उसने बोला कि यहोवा परमेश्वर तुझे घुड़का, परमेश्वर तेरा हिसाब लेगा। तो एक तो मूसा जो कि अपनी फिजिकल लाइफ, अपनी फिजिकल जर्नी यहाँ पूरी करके गया, दूसरा एलिया जिसके बारे में हमें पता है, राजाओं की पुस्तक में हमने पढ़ा है कि अग्नि में घोड़ों का रथ आया और एलिया सशरीर उठा लिया गया। उससे पहले हनोक उठाया गया था सशरीर। ये दो ही लोग हैं जो अभी तक अपनी फिजिकल बॉडी के साथ हेवन में मौजूद हैं, इनके अलावा कोई मौजूद नहीं है। हालांकि ये दोनों भी एक समय आएगा जब वापस इस धरती पे आएंगे और अपनी फिजिकल बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी और फिर वो आत्मा में उठाए जाएंगे, फिर वो एक नया टॉपिक हो जाएगा, बहुत गुड़ विषय प्रकाशित वाक्य से उठाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम अपने पॉइंट पर लौटते हैं कि यीशु ने कैसे कहना माना, कैसे आज्ञाकारिता में रहे। जब मूसा और एलिया वहां पे प्रकट हुए तो वहां पे लिखा है वचन में कि वो उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है, यीशु के लिए सब कुछ बहुत आसान रहा होगा? वो बता रहे थे कि तुम्हें कितने घाव सहने हैं, उससे पहले तुम्हें कितने कोड़े खाने हैं, तुम्हारे दाढ़ी को बालों को नोचा जाएगा, तुम्हारे ऊपर थूका जाएगा, क्या क्या होगा तुम्हारे साथ, इस तरीके से तुम मरोगे, इस तरीके से तुम्हें मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर लेकर कुर्बान होना है, और मृत्यु को हरा के 3रे दिन फिर वापस उस कब्र को खाली छोड़ देना है ताकि युगों युगों के लिए इज़राइल में वो गवाही ठहरे, मनुष्य जाति के लिए वो गवाही ठहरे। वो सब तो ठीक है कि पूरी मनुष्य जाति को छुटकारा और उद्धार दिलाना है, लेकिन वो जो प्रोसेस था जब वो यीशु ने सुना तो आपको क्या लगता है, बहुत आसान था? नहीं, वो उसके लिए आसान नहीं था। आगे के वचन में लूका के जब 22वें अध्याय में हम पढ़ते हैं 42 आयत,
कि यीशु प्रार्थना कर रहे थे। यीशु हमेशा पिता से अकेले में जाके प्रार्थना करते थे। उस रूपांतरण के पर्वत पे भी वो प्रार्थना कर रहे थे अकेले में, यहाँ पर एक बार फिर से वो प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना कर रहे थे? जब उनको पता चल गया था आत्मा में कि जिस बात का जिक्र कुछ समय पहले मूसा और एलिय्याह ने आकर मुझसे किया था कि मेरी मृत्यु कैसे होनी है मनुष्य के उद्धार के लिए, वो समय करीब आ गया है। तो उनका मन बहुत व्याकुल था और वो प्रार्थना कर रहे थे। और उन्होंने क्या प्रार्थना की? हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा, पिता की इच्छा पूरी हो। इतनी आज्ञाकारिता, पता है कि वो चीज मुश्किल है, ये काम मुश्किल है, पिता ने ये ऑर्डर दिया है, ये बहुत मुश्किल है, उससे नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसने कहा कि मेरी सामर्थ तो नहीं, पर परमेश्वर तेरी सामर्थ और तेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और आगे 44वें पद में लिखा है कि वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पे गिर रहा था। कितनी महान वेदना। सोचिए, अगर हमको पता है कि हमें ये वाला कष्ट सहना है, पहले से बता दिया गया, और उसके लिए हम अपने आप को प्रार्थना में तैयार कर रहे हैं, दीन कर रहे हैं, और स्टिल अगर ईश्वर चाहते तो मना कर सकते थे। पिता कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन प्रकाशित वाक्य 13 उसके 8वें पद में लिखा है, द लैम वॉज स्लेन बिफोर द क्रिएशन। परमेश्वर का वो मेमना जो जगत की सृष्टि से पहले घात किया गया, मतलब कि परमेश्वर को पता था कि उसका बनाया हुआ मनुष्य बहकेगा और मनुष्य के पाप के लिए किसी मनुष्य को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और तब उसके मुंह का जीव वचन जो उसने बोला उजाला हो, जो कमांड, जो वचन था, यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और वो हमारे बीच में चला फिरा, वो यीशु उस वचन को देह लेकर यीशु को धरती पर पिता की आज्ञा मानते हुए आना पड़ा। और पिता ने उस ही समय उसको बता दिया होगा कि यीशु मेरे बच्चे मेरे बेटे, तुम्हें ये कुर्बानी मेरे मनुष्य के लिए, मेरी मनुष्य जाति के लिए देनी पड़ेगी। सोचो कितनी आज्ञाकारिता कि उसके पास अधिकार था कि वो मना कर सके। हम आजकल बच्चों को देखते हैं ना, कोई काम बोलते तो बच्चे फटाक से मना कर देते, नहीं नहीं मुझे नहीं करना मामा, मुझे नहीं करना पापा, अपनी मर्जी। पर वहां पर यीशु ने अपनी मर्जी नहीं चलाई। अगर कमांड दिया गया है, अगर आज्ञा दी गई है, तो उस आज्ञा को माना। और उस आज्ञा के माने जाने से क्या हुआ? रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय के 17वें वचन में ये लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु जगत में आई और एक मनुष्य के कहना मानने से उद्धार जगत में आया। रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 17वें वचन में लिखा है कि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो फिर एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही बहुत से लोग धर्म रूपी वरदान और अनंत जीवन पाएंगे, अनंत जीवन में राज्य करेंगे। क्योंकि उसे तो बहुतों को, हमको, आपको अनंत जीवन का वारिस बनाना था, इसलिए उसने आज्ञा माननी सीखी, इसलिए उसने कहना माना, इसलिए उसने उसकी सामर्थ्य पे नहीं बल्कि पिता के प्रेम के वशीभूत होकर उसने कहा, ठीक है प्रभु, चाहे तो हटा ले, पर फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। हम तो बहुत बार ऐसा करते हैं कि पिता से भी अपनी मर्जी चलाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं स्वर्गीय पिता से, इस धरती के पिता से तो हम जब खुद बच्चे थे तो भी शायद अपनी मर्जी चलाते थे, या उन दिनों ऐसा था कि हमारी सुनी नहीं जाती थी हमारी पीढ़ी की। पर आज सिचुएशन अलग है, आज बच्चे ज्यादा अपनी मर्जी चलाते हैं, आज पेरेंट्स ज्यादा हम्बल हैं, तो बच्चों की मर्जी चलती भी है। पर यीशु ने अपनी मर्जी नहीं चलाई। हम तो आज भी जब परमेश्वर से प्रार्थना करते तो अपनी मर्जी, अपने तरीके, अपने प्रेयर पॉइंट्स बताते कि प्रभु ऐसा कर, ये काम ऐसे कर दे, प्रभु ये काम ऐसे कर दे, हम उसको डायरेक्शन देते हैं। कितनी बार हम सब ने ये बेवकूफी की है कि प्रभु ये चीज ऐसे ऐसे कर दो, ये काम ऐसे ऐसे कर दो, यहाँ ऐसा कर दो, वहां ऐसा कर दो, ये चीज ऐसा कर दो, ये वाला बिजनेस ऐसे सेट कर दो, ये वाला घर ऐसे दे दो। हम अपनी मर्जी चलाते हैं। हम पूछते हैं क्या कि प्रभु आपकी मर्जी क्या है? जवानों से पूछे, अपने आप खुद किसी को पसंद करने के बाद फिर प्रार्थना करते कि प्रभु उससे मेरी शादी करा दे, प्रभु इससे मेरी शादी करा दे। पिता की मर्जी पूछी क्या पसंद करने से पहले कि प्रभु तू कहाँ चाहता है वहां करा दे। हमको देखिए, वही आदम का बीज है क्या? नहीं नहीं है, क्योंकि बीच में मसीह ने आके वो जो शाप था, वो जो कनेक्शन था, उसको कट ऑफ कर दिया और उसने हमें कहना मानना सिखाया। और इस आदम के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आशीष जगत में आई। पहले वाले आदम के द्वारा शाप जगत में आया था, मृत्यु मनुष्य जाति पर आई थी, पर वो जो सारे अधिकार जो अदन की वाटिका में छीन लिए गए थे, वो सारे अधिकार हमको यीशु ने क्रूस पे वापस दिलाए। कैसे? आज्ञाकारिता के जरिए।
और इब्रानियों की पत्री उसके पांचवें अध्याय के आठवें वचन में ऐसा लिखा हुआ है जो हमारे लिए बहुत आशीषित वचन है। हम देखेंगे इसको। वहां पर ऐसा लिखा है आठवें वचन में यीशु के बारे में कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। जब हम आज्ञा मानते हैं तो न केवल आशीष हमारे जरिए दूसरों पे बल्कि हमारे खुद के जीवन में आशीष आती है। यीशु को सदा काल के लिए हमारे उद्धार का कारण बना दिया गया। आगे के वचन में लिखा है कि उसको परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिल गया। वो हमारा महायाजक ठहरा सदा काल के लिए। हमारे लिए तो आशीष है यीशु की आज्ञा मानने से, पर खुद यीशु के लिए क्या आशीष आई? सदा के लिए, रहती दुनिया तक, दुनिया के अंतिम सांस तक वो हमारा सदा काल का महायाजक ठहरा। सब नामों में श्रेष्ठ यीशु नाम, आकाश के नीचे धरती के ऊपर एक ही नाम यीशु मसीह, वो उसको अधिकार दिया गया जिस नाम से उद्धार है। दूसरे किसी नाम में उद्धार नहीं है। भले ही दुनिया ने अपने अपने मिथ बना रखे हैं, पर एक ही सच्चाई है, मार्ग सत्य और जीवन यीशु है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बात को खत्म करूंगी। एक बहन थी, उनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था और उनको डॉक्टर के पास जाना था, दिखाना था, तो उसके लिए भी काफी उन्होंने प्रेयर करवाई थी हम लोगों से और वो हमारे टच में भी रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि सिस्टर, जो प्राइवेट अस्पताल का खर्चा वो तो हम नहीं उठा सकते, हमें राशन कार्ड बनवाना है। तो उसके लिए प्रेयर की गई, राशन कार्ड भी बन गया, जबकि बिल्कुल एंड टाइम पे उनको लग रहा था कि नहीं बनेगा। और वो बोली कि मैं उस ऑफिस से बड़बड़ाते हुए निकल रही थी कि कोई काम नहीं हुआ, पूरा दिन बेकार हो गया, आज मैं आई थी कि आज तो मेरा राशन कार्ड बन ही जाना चाहिए। मगर उसी समय वो जो मेन अधिकारी था उस ऑफिस का, उसने उनको देखा कि वो बहुत निराशा में जा रही हैं और उनको उस परमेश्वर ने उसके मन को उभारा, ये प्रार्थना का उत्तर है। और उसने खुद बुलाकर उनकी सारी परेशानी सुनी, न केवल उनका राशन कार्ड बना के दिया बल्कि उनको हेल्थ सर्टिफिकेट भी बना के दिया। उसके कुछ दिनों बाद फिर पता चला कि नहीं, उनको बताया गया डॉक्टरों के द्वारा कि नहीं, आपके हार्ट के वॉल में कुछ प्रॉब्लम है और फटाफट ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और इस समय हमारे देश में आपको पता है कैसी सिचुएशन चल रही है। तो उन्होंने कहा, फिर रात को उनका फोन, उन्होंने कहा, सिस्टर ये तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मैं प्राइवेट में तो जा नहीं सकती हूँ और सरकारी में जाने के लिए पता नहीं मुझे परमिशन रास्ते में जाने देंगे नहीं जाने देंगे, रोकेंगे पुलिस वाले। मैंने कहा, हम प्रार्थना करते हैं आप विश्वास के साथ निकलना क्योंकि आपका जेन्युइन केस है, हार्ट का केस है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। और आप यकीन मानिए, उस दिन जब वो गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उन्होंने स्पेशलिस्ट को दिखाया, उनका ईसीजी एक्सरे सब बाकायदा हुआ, उसके बाद आके उन्होंने खुद बताया कि सिस्टर, खुद उन्होंने कॉल किया कि सिस्टर, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा हार्ट इतना स्वस्थ है, वॉल्व इतना स्वस्थ है कि अभी 10 साल तक तो कोई इसकी जरूरत ही नहीं है ऑपरेशन की, तुम भूल जाओ। मैंने कहा, सिस्टर इसमें एक और जीरो जोड़ लो, 100 साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ऑपरेशन की। और मालूम है उस बहन के जीवन में क्यों ये आशीष आई? प्रार्थना तो खैर हम लोग कर ही रहे थे, यीशु के नाम से प्रार्थना हाँ और आमीन होती है, हमें पता है। पर उस बहन को एक चीज मैंने बोली थी, मैंने कहा था, सिस्टर पहले आप बहुत बिजी रहती थी, अभी आपको टाइम है, आप एक काम करो। और सिर्फ अभी नहीं, मैंने कहा, वापस जब सारे लोग काम पे जाने लगेंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, रूटीन पहले के जैसा, उस टाइम पे भी ये रूटीन मत तोड़ना, डेली बाइबल पढ़ो, परमेश्वर की संगति में बैठो। क्योंकि देखिए, जब आप मुझे कॉल करते हैं प्रेयर के लिए या काउंसलिंग के लिए, तो वचन से जो सही है मैं वही सलाह दूंगी, वही काउंसलिंग दूंगी। और सबसे बड़ी और सबसे मेजर बात जो है मसीह से जुड़ने की, वो ये है कि बाइबल पढ़ो। अगर आशीषें चाहिए जीवन में तो सिर्फ प्रार्थना नहीं, बाइबल पढ़ो, एक बार नहीं, हजार बार पढ़ो, आखिरी सांस तक बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। और कुछ लोग पूछते हैं कैसे पढ़नी है, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा, एक नया नियम, एक पुराना नियम, एक भजन संहिता, एक नीति वचन, कम से कम इतना तो पढ़ो। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तब हम अपने परमेश्वर को जानेंगे। ये कोई विधि या पैटर्न नहीं है कि अच्छा ऐसे पढ़ना है, नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमें बाइबल पढ़नी है और हमें उस जरिए से आशीष मिलेगी। क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे बाइबल को, उतना ज्यादा अपने परमेश्वर के प्रेम को और उसने हमारे लिए क्या भलाई की योजनाएं बना रखी है, उन बातों को जानोगे और शैतान के झूठ का पर्दाफाश होता जाएगा। वो झूठ जो वो अब तक आपके जीवन में बोलता आया था या विचारों में डालता आया था, उसकी चालें आप समझने लगोगे और उन चालों को कैसे काटना है ये तरीका भी आप बाइबल से सीखोगे।
इसलिए बाइबल पढ़नी बहुत जरूरी है। उन्होंने आज्ञाकारिता निभाई, उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और ये आज्ञाकारिता का प्रतिफल, जैसा मैंने अभी कहा कि यीशु ने जब कहना माना, आज्ञाकारिता निभाई, तो न केवल संपूर्ण मनुष्य जगत के लिए, मानव जाति के लिए, बल्कि खुद के लिए भी वो एक आशीष बना। वो आशीष क्या थी कि वो हमारा सदाकाल के लिए महायाजक बना। उसके नाम को पूरी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ माना गया और उसके नाम में सारे अधिकार, इफिसियों 1:3 हम सब जानते हैं, मसीह यीशु में सारी आशीष है, यीशु के नाम में सारे अधिकार, यीशु के नाम में उद्धार है। तो बस इस समय बड़ी बात यह है, कहना, देखिए कहना तोड़ना बहुत आसान है, आज्ञा तोड़ना बहुत आसान है, मुश्किल काम क्या है? आज्ञा मानना। झूठ बोलना बहुत आसान है, मुश्किल काम क्या है? सच बोलना। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, झूठ बोलने के लिए कोई हिम्मत नहीं लगती। ठीक उसी तरह से आज्ञा तोड़ने के लिए कोई हिम्मत नहीं लगती, आज्ञा मानने के लिए डेडिकेशन लगता है। तो प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे और बाइबल हमेशा कहना मानना सिखाती है। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत से नए लोग मुझसे पूछते हैं कि ठीक है अभी हम प्रेयर कर रहे हैं तो क्या अब हम दवा नहीं खाएं, क्या अब हम डॉक्टर को नहीं दिखाएं? नहीं, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आप दवा मत खाइए, डॉक्टर को मत दिखाइए। दुआ से दवा असर करती है, ये एक फॉर्मूला हम सब जानते हैं और आप भी जान लीजिए। जब प्रार्थनाएं करते हैं तो वो दवाएं जो पहले असर नहीं कर रही थी शायद, वो असर करने लगती है, वो ट्रीटमेंट जो हमें दिया जा रहा है वो फलीभूत होने लगता है हमारे ऊपर। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और ज्यादा से ज्यादा हम इन दिनों जो भी हमको गवर्नमेंट के रूल्स दिए गए उनको फॉलो करें, कहना माने, ताकि न केवल दूसरों के लिए आशीष है बल्कि हमारे जीवन पे भी आशीष बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू।